तो ऑलरेडी हम ये सब देख चुके हैं ना बेटा। अब हम थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं इसके। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सब कुछ देख लिया ना, ठीक है। हम लोग कहाँ पढ़े थे बेटा, ये सर नीचे और नीचे हैं, ऊपर 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 ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मतलब फर्स्ट जो हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, फर्स्ट प्लान से हमारा प्लान कब बना था, विच प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश राजनी इन विच ईयर, राजनी प्लानिंग कमीशन 1992, क्या बोल रहे हो, बोलो 1990। मैं मास्टर हूँ बेटा, मैं मास्टर हूँ, हाँ ठीक है। आदित्य बोलो, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखो ये सब नंबर है 1 2 3 0 4 7, इसी में तो कोई नंबर है, घुमा के बना दो 1 9 2 5 0 4 7, इसी में नंबरों का यूज करके बनाना है, ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है, बताओ 1950 प्लानिंग, फर्स्ट प्लान है बेटा, अनभ्यासे विसंग विद्या बेटा, है ना। जब कम जब लगातार नहीं पढ़ोगे ना, जब इकोनॉमिस्ट को डाइवर्स दोगे ना, तलाक दोगे ना, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। गॉट अ पॉइंट, समझ में बात। तो आप देखो ऐसे, तो आपको क्या करना कि हमारे जो प्लानिंग कमीशन जब बना और हमारा फर्स्ट प्लान जब लॉन्च हुआ, उस प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव, सारे प्लान में ये ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव जिसको अभी आपने बोला, ठीक है, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, और बाद में आके शुरू के प्लान में नहीं था एम्प्लॉयमेंट जैसे, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि वो कि जब ग्रोथ होगा तो वो परकुलेट हो जाएगा, उसका बेनिफिट चला जाएगा, ये मान के चल रहे थे। चलो तो ये क्या कहता है, टैक्सेशन पॉलिसी ग्रोथ में क्या कहता है, इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट एंड अदर बजटरी इंसेंटिव्स, इट विल स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड दस इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेशन कंसेशन एम एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड दस मेकिंग प्रॉफिट। ये हमने टैक्सेशन पॉलिसी से ये सब रखा था, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर फैक्टर दैट जनरेट्स डिमांड बाई इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडीज। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में इन बातों का, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें इन्वेस्ट करेंगे, सड़कों बना दें, पुल बना दें, सबसे आवागमन तेज होगा, जब लोग सामान लेकर आएंगे बेचेंगे तो गांव का सामान शहरों में आएगा, मंडियों में जाएगा, फार्मर्स को फायदा होगा, इससे क्या ग्रोथ बढ़ेगा, उनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है शहर में तो हम बेचेंगे ज़्यादा। तो इसी तरह प्रोड्यूसर्स के लिए भी है, सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रमोशन मिलेगा, टर्सरी सेक्टर को प्रमोशन मिलेगा, तो वो टर्सरी सेक्टर का बिजनेस आगे बढ़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ेगा, इससे समझ रहे हो। तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी इन सब बातों को ध्यान में रखा गया था, बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करने की बात थी। अगर हम टैक्स रिबेट दें, जिसे गवर्नमेंट हर जगह तो हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकती, बना सकती, तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा है, किसी के पास, कंपनी के पास, किसी ओनर के पास, बोला कि आप यहाँ, मैं आपको ज़मीन देता हूँ, आप यहाँ अपने हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा, वेलफेयर, वेलफेयर लोगों का हो रहा है ना, बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ज़मीन दे दिया सरकार ने फ्री में, केंद्रीय विद्यालय क्या हुआ, कैसे लग रहा है, सरकार की ज़मीन, आर्मी वालों ने ज़मीन दे दी, स्कूल खुल गया, ठीक है, झारखंड में खुला हुआ है, कहीं नक्सलाइट एरिया में खुला हुआ है, जहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा, वह प्राइवेट सेक्टर को दे देगा, तो प्राइवेट सेक्टर है, जिंदल पब्लिक स्कूल खुल रहा है, अब मैं रायगढ़ से आगे था, वहाँ पर बिरला वाले ने खुला हुआ है, पूरा चारों तरफ जंगल है, अब वहाँ पर माइंस है, वहाँ पर सरकार ने माइंस दिया उनको, आप यहाँ से अपने नॉलेज का यूज कीजिए और वहाँ पर अपने लोगों के लिए स्कूल खोल, तो ऐसे होता है। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, प्रमोशन करती है, समझाई बात, इकोनॉमिक ग्रोथ को गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है, देख रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं है, कोल ब्लॉक को आवंटन किया गया, गवर्नमेंट ने कोयलरी को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया,
यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स है, नीचे पानी वो है, ऑयल है मान लो यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या कर दिए, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, टाटा आके कर लो, बिरला आके कर लो, बजाज आके कर लो, कुछ दे दिए किसी को, ठीक है, वो निकाल रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ पैसा सरकार को दे दिया, सरकार भी कुछ, और प्रोडक्शन हो रहा है बाहर बेचे, फॉरेन एक्सचेंज, यही सब दुनिया है, दुनिया ऐसे चलती है, यही इकोनॉमी है, करेक्ट ना, यही इकोनॉमी है, समझ रहे हो ना। चलो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैनेज ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशन थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस, मतलब प्राइस का ऊपर नीचे होना, ये फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं हो पाना, ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का सूचक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं हो रही इसका सूचक है। बड़ा पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करें, गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस फ्लक्चुएशन थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, टैक्स बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, बोलो, टैक्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, बोलो कैसे सर? अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो कौन चाहेगा वहां बैठने के लिए? बैठने के लिए क्यों टैक्स का इसका हाई मतलब हाई है उसका सॉरी टैक्स हाई है तो सब तो ज्यादा नहीं बैठेंगे बैठेंगे अरे नहीं जाएंगे वहां जो बोलना चाहते हो तुम, हो सकता है कि सही बोल रही हो, जो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम में लिखना है उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। टैक्स हाई टैक्स लगाने की टैक्स किस पर लगाया जाए, टैक्स किस पर लगाया जाए, गवर्नमेंट जो पैसा देती है टैक्स उस पर लगता है ना, हाँ बोलो, हाँ तो आपके पास मान लो पैसा है 1000 रुपये, गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स लगाया तो आपके पास कितना पैसा बचा, 100 रुपये लगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा, आपके पास 1000 रुपये आया, गवर्नमेंट ने 100 रुपये टैक्स ले लिया, टैक्स लगाने का मतलब क्या, सरकार ले लेगी 100 रुपये, आपके पास कितना बचा, 1000 रुपये तुम्हारा इनकम है, तुम्हारी इनकम कितनी है 1000 रुपये, 1000 रुपीज इनकम है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या लगाया 100 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो तुम्हारे पास कितने पैसे बचे, मतलब गवर्नमेंट ने 100 रुपये ले लिया, टैक्स का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ले लिया 100 रुपये, तो कितने बचे, 900 बचे ना, 1000 माइनस 1000 1000 माइनस 100, अरे जैसे मान ले 10 रुपये, आपकी इनकम क्या है 1000 रुपये, गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया 100 रुपये का, ठीक है, टैक्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ले लिया उसके पास, ठीक है, यहाँ देखो तो आपके पास कितने बचे, इसमें से माइनस करने के उतने बचे ना आपके पास, हाँ तो ये 900 रुपये आपके पास बचे, ठीक है, मतलब पहले अगर गवर्नमेंट अगर मान लो टैक्स नहीं लगाई होती, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स नहीं लगाया होता, आदित्य भी अटेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स नहीं लगाया होता तो आप पूरा का पूरा 1000 रुपये खर्च कर देते, क्या कर देते, खर्च कर देते, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट 100 रुपये ले ली आपसे तो आप तो 900 रुपये ही खर्च कर पाओगे ना, ठीक है, बोलो भाई, तो गवर्नमेंट अगर 100 की जगह मान लो 200 रुपये टैक्स लगा दे आप कितना 800 रुपये खर्च कर पाओगे, गवर्नमेंट मान लो 300 रुपये खर्च लगा दे तो आप 700 रुपये खर्च कर पाओगे, गवर्नमेंट मान लो 400 रुपये टैक्स ले दे तो आप 600 रुपये खर्च कर पाओगे, तो आपके पास पैसा कम होता जा रहा है ना, मतलब मनी सप्लाई क्या हो रहा है, घट रहा है, टैक्स बढ़ने से मनी सप्लाई घट रहा है, तो मतलब अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, अगर टैक्स लगाने से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई घट रहा है, घट रहा है, टैक्स लगाने से मनी सप्लाई घट रहा है कि नहीं घट रहा है,
बोलो भाई, तो गांव में अगर बड़ी सप्लाई अधिक होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या हुआ कि बड़ी सप्लाई हाई है, बड़ी सप्लाई ज्यादा है, इसको हमको करना क्या है, कम करना है। तो हम टैक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तो बड़ी सप्लाई कम होगा, सुन रही बात, टैक्स बढ़ाएंगे तो बड़ी सप्लाई कम होगा, सुन रही बात, तो जब हमारे हम जब देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी बहुत प्राइस बढ़ रहा है, बहुत प्राइस बढ़ रहा है, मतलब क्या मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को हमको कम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में टैक्स का रोल है कि नहीं है? बोलो भाई, टैक्स का रोल है, समझ में आ रहा है राजेंद्र? नहीं समझ में आ रहा बेटा? हाँ ठीक है, ठीक समझ में आ रही बात। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये इनकम डिटरमिनेशन वाले रेशन में ये हमने बताया था, ये डायग्राम याद है ना, ऐसा डायग्राम आपके बुक में है, हाँ? ये हमारा एडी है, ये मान लो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, अगर ये मान लो ये एडी वन यहाँ हो जाए, ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्फ्लेशनरी गैप, क्या कहलाता है? नो, ही इज हेल्पिंग यू, डोंट मेक फेस ऑन हिम, ठीक है, क्या है ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के बाद अगर हमारा डिमांड ज्यादा हो जा रहा है तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये इन्फ्लेशनरी गैप है। हमको कहाँ लाना है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो हमको घटाना पड़ेगा ना, फिर हमको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाना होगा, करेक्ट ना, समझ में आई बात? तो इस पॉइंट पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे ना, ठीक है। तो जब टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम, तो डिमांड भी कम होगा, घटेगा और वो इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। तो ये तो कितना महत्वपूर्ण है, बजट का भी संबंध इस लेसन से है और मॉनेटरी पॉलिसी का भी संबंध है, क्योंकि मनी सप्लाई वहाँ भी घटाना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबका संबंध है, समझ वाली बात, समझ वाली बात, चलो जाइए। पर क्या है, डिफ्लेशनरी केस है, डिफ्लेशनरी, अगर मान लो किसी डायग्राम को देखो, तो देखो ये हम, ये हमारा मान लो कि एडी जीरो है, हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, और ये डिमांड घट गया किसी कारण से, मान लो तो ये हमारा यहाँ यहाँ आ गया इक्विलिब्रियम, तो हमको यहाँ जाना है, तो हमारे पास क्या है, ये डिफ्लेशनरी केस है, ये क्या है, ये डिफ्लेशनरी केस है, डिफ्लेशनरी, ठीक है, डिफ्लेशनरी केस है, समझ ऐसा डायग्राम जो बनेगा ना, तो डिफ्लेशनरी, ये तो यहाँ पर खेल है, एडी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ है, आदित्य बात की 80 मतलब यहाँ 81 कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंसरी गैप का है, डिफिशियंट डिमांड की कंडीशन, इसे कहा डिफिशियंट डिमांड, डिफिशियंट कंडीशन, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिमांड कम है मतलब मनी सप्लाई कम है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी अपने टैक्स पॉलिसी से, हाँ टैक्स घटा देंगे, ठीक है, 400-300 कर देगी, 400-300 करेगी तो 600-700 हो जाएगा, यस सर, 200 कर देगी तो 800 हो जाएगा, लोग यहाँ पे पैसा डाला आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पैसा जब ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे, समझेगा, ये बहुत ही डायनेमिक लेसन है बेटा, बहुत डायनेमिक लेसन, राजनीति समझ में आ रहा है, 2 बज गया कुछ, चलिए अंडर डिफ्लेशनरी का सिचुएशन समझ में आया कि रिड्यूस द टैक्स टू इनक्रेज डिमांड, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे सकती है, देखो इंक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा रही है, खर्चे बढ़ाए तो पैसे लोगों के हाथ में आएंगे, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज सब्सिडीज, सब्सिडीज दे रही है, ठीक है ना, सब्सिडी क्या होता है, रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मार्केट प्राइस कुछ और है जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई प्रोडक्शन करना नहीं चाहता है, गवर्नमेंट उस पर हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है,
कि 400 रुपए का चीज़ है, हाँ, और ठीक है, और लोग 400 रुपए गवर्नमेंट 300 रुपए ही लोगों के पास है खर्च करेगी, चलो 100 रुपए मैं दे देता हूँ आप इसको प्रोडक्शन करो, तो 100 रुपए तो बढ़ गए ना मार्केट में, लोगों को दे रहे ना, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी देती है, ठीक है, सपोर्ट प्राइस इशू करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट का हेल्प है, वो एग्रीकल्चर सब्सिडी कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या है सब्सिडाइज, कहाँ पढ़ रहे थे लोग, हाँ, रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेस टू डिस्करेज, नीचे वाला, हाँ, रिड्यूस टैक्सेस टू इंकरेज डिमांड एंड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सब्सिडाइज टू इंकरेज स्पेंडिंग बाई पीपुल, दिस विल रेज द लेवल ऑफ एडी टू करेक्ट दैट डेफिसिट सिचुएशन। अब ये लास्ट है आपका, लास्ट है, इसके बाद ये होगा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, पढ़ो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, पहली बात तो इसका मतलब समझो, रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, अगर भारत को देखो तो भारत में पंजाब एक रीजन है, हाँ, तमिलनाडु एक रीजन है, हाँ, कई तरीके से रीजन को डिफाइन किया जाता है, उड़ीसा एक रीजन है, जम्मू कश्मीर एक रीजन है, मान लो कोई हमारा स्टेट पिछड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस स्टेट को हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ, जैसे आँखों में दर्द है तो क्या करो, उसको दवा लगाओगे ना, दवा नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे, अरे दर्द हो रहा है ठीक ना, हमारा हाथ तो ठीक है ना, ऐसे करोगे क्या, दांत में दर्द है, नहीं 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 मेरा दिमाग तो ठीक है ना, तुमको दर्द हो रहा है तो होने दो, ऐसे करोगे क्या, तो पूरा भारत के सारे क्षेत्रों को मिला तो एक इकोनॉमी ऐसे बनता है ना, जैसे हमारा शरीर है वैसे भारत है, ठीक है, तो भारत के किसी भी प्रांत में किसी भी सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो ये हम इसी बात को यह फोकस करता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री, दिस इज अचीव्ड थ्रू हाउ लिबरल टैक्स लॉज फॉर द बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया झारखंड का, उड़ीसा का, बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इन द बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनमें SEZ लगवा दिया, ठीक है, ऐसे रीजन जनरली मिनरल रिच होते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइनल है 6 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये तीन जो पॉलिसीज हैं, क्या है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री लगाती है गवर्नमेंट तो उसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है, सरकार लगा रही है बजट के माध्यम से लगा रही है, तो जनरेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, हाँ, अगर यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री लगा लग जाएगी सर उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, एयरपोर्ट लगा हुआ है, इस एयरपोर्ट ने कितना एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, हाँ, एरोप्लेन में काम करने वाले लोग, उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए लोग, वहाँ से आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी, ये तमाम तरह का एम्प्लॉयमेंट है ना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर, ठीक है, और गाड़ियों का प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, मेरे पास समझ लो, हर तरह का एम्प्लॉयमेंट, हर तरह का एम्प्लॉयमेंट जल्दी से हो रहा है, करेक्ट ना, ठीक है, तो कहीं भी गवर्नमेंट लगाती है बजटरी, अब मनरेगा जैसी स्कीम, मनरेगा जानते हो, व्हाट इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, और इसके बाद ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर, और गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एडमिशन में ही सरकार दे रही है, जॉब में भी दे रही है, 10% का आरक्षण दे रही है, ठीक है, तो इस तरीके से बजट के माध्यम से सरकार बहुत सारा काम करती है, बड़े पॉइंट समझ में, इस तरह आप देखो, इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं।